ये कहानी है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश से, जहाँ मैंने 157 किलोमीटर्स की जर्नी तय की थी, स्टार्टिंग फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड मेयो, और मेरी लास्ट डेस्टिनेशन थी विजयनगर। आप में से बहुत ही कम लोगों को शायद इस टाउन के बारे में पता होगा। विजयनगर बिल्कुल इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे है, और वहाँ इंडियन आर्मी की एक एयर बेस भी है। पहले ज़माने में लोग इस 157 किलोमीटर्स को पैदल कवर किया करते थे, और उसमें 7 दिन लग जाते थे। जब मैं वहाँ गया था अक्टूबर 2021 में, तब ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर्स का रास्ता मोटरेबल बन चुका था। तो मैं एक ट्रक के ऊपर लिफ्ट लेके वहाँ तक पहुँचा था, ऑलमोस्ट मिडवे तक। यहाँ लोग माइल्स का सिस्टम फॉलो करते हैं, सो एक दिन में मैं ट्रक में लिफ्ट लेके 52 माइल्स तक पहुँच गया था, जहाँ के आगे और रोड्स नहीं थी। और उसके बाद मुझे पैदल ही चल के जाना था पूरे विजयनगर तक। सो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस थी ये जर्नी, और ये मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग जर्नीज में से एक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कल इसी ट्रक में मैं आया था, और यार भाई जर्नी जो मस्त थी ना, क्या बताऊँ। और रात को तो और भी इंटरेस्टिंग हो गई थी, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस वो टूटा फूटा रोड था। कभी कभी बीच में झरने आ रहे थे, कभी कोई ब्रिज आ रहा था, और वही डॉज कर करके सारे पेड़ों को चलना पड़ रहा था, क्योंकि हम बहुत हाइट पे बैठे हुए थे। बच्चे यहाँ पे नदी से पानी लेने आए हैं, और मैं ब्रश करने आया हूँ। लाइफ मस्त है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है यार। बेसिक नीड्स के लिए मैं और जाना पड़ता है, और यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, सामान के दाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है यार। कुछ भी पहुँचाने के लिए पोर्टर्स चाहिए, या फिर बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, तभी कुछ भी आ सकता है ऊपर तक। और जहाँ तक मैंने सुना है, विजयनगर में नमक 250 रुपये किलो है। सबसे बड़ी कौन है? ये सबसे बड़ी दीदी है। मैं कल रात को दादा के घर पे रुका था। कल बोल रहा हूँ कैमरा में, कल रात को दादा के घर पे रुका था। दादा मुझे अभी अपना बस्ती का टूर दे रहे, घुमा रहे आसपास। और सामने एक बैम्बू का ब्रिज बना है। ये टेम्परेरी ब्रिज है क्या? ओ, सीजनल ब्रिज है, तो हमेशा खराब हो जाता है ये? तो हम लोग हर साल रिपेयर करते हैं। अच्छा, ओहो भाई, ओहो दादा आगे ही बैठ गए। ओहो भाई, अभी उतना हाइट लग नहीं रहा है, पर नीचे पत्थर है तो गिरा तो लगेगा उसमें, है ना? अभी पानी कमती है तो फूट जाएगा सर गिरते ही। तो बस्ती में सारा जो घर है वो इस तरफ है, और खेती उस तरफ होता है, और बैक साइड में भी थोड़ा सा है, तो ये ब्रिज ही एक ऑप्शन है यहाँ जाने का। ये है एक। और कोई तरीका नहीं ना। कोई कोई ये नाव से भी कभी पार करता है। हाँ हाँ, और पर अभी पानी कम है, नाव भी लग जाएगा। हाँ, नाव लगता है। और हम लोग अभी वो टीप से नाव बना के वहाँ से डायरेक्ट पार करते हैं। अच्छा अच्छा, 157 किलोमीटर्स में से अराउंड 84 किलोमीटर्स हो गया, तो ऑलमोस्ट बीच के तरफ में हूँ मैं। नेचुरल ब्यूटी तो अच्छा है, बट डेली लाइफ भी यार बहुत मुश्किल है। यहाँ दादा क्या क्या चीज़ लाना पड़ता है बाहर से, जैसे खाने पीने का? यहाँ मैं वो सब नमक से लेके पूरा जो भी लगता है, बस बाकी यहाँ मैं चावल तो हो जाता है खुद का। हाँ हाँ, और सब्जी वगैरह तो अपना बगान में हो जाता है। हाँ, तो वहाँ से लाना बस वो साबुन वगैरह, तेल, नमक, ये सब कुछ ना बुक के। अभी तो गाड़ी यहाँ तक आ जाता है, पहले तो मियाँ से बुक के लाना पड़ता था। हर महीना मियाँ जाना, क्योंकि एक बार जाएगा तो एक महीना का सामान एक बार में लेके आते हैं। वही बुक सकता है। एक पाँच दो तीन लीटर तेल लेके आएगा, नमक 5-6 किलो लेके आएगा, तो
एक जन तो ज्यादा से ज्यादा 25 ही भूख सकता है, हाँ तो 25 किलो। एक महीना में खत्म हो जाता है, फिर दूसरा महीना को फिर जाना पड़ता है। और कभी कभी ऑप्शन, पहले तो ये रास्ता जंगल था तो हाँ ये नदी किनार किनार होके जाता था, हाँ तो कोई कोई तो बार बार मियाँ जाने नहीं मिलता था, कोई कोई तो बिना तेल में भी बॉइलिंग खा के भी बैठना पड़ता ओ, था कभी बिना तेल खाना खाते थे। ऐसे भी था एक समय, मतलब क्योंकि पानी भर जाता है और रास्ता वहाँ नहीं है, इसलिए नदी का किनार में झूल झूल के जाना पड़ता था। आज तो बहुत सुविधा हो गया। तो विजयनगर से ज़्यादा प्रॉब्लम बीच का बस्ती को होता हाँ है। बीच को होता है, क्योंकि बीच का तो ना तो मियाँ नहीं तो हाँ नगर, वो बीच में हो गया, नहीं तो हाँ ऊपर जाओ नहीं तो नीचे जाओ। हाँ हम लोग जो चीज़ बाहर से 5 मिनट वॉक करके सामान ले आते हैं, उनके लिए इसके लिए यहाँ के लोगों को सोचना पड़ता है कि कैसे जाएंगे और कैसे सामान लेके आएंगे। अभी थोड़ा सा अच्छा रोड बन गया है, बट फिर भी यार स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है। अभी धूप पड़ेगा ना तब मछीपुरा दिखाई हाँ देता है अभी हाँ तो। दिख रहा है, मछली भी है। तो पूरा धूप पड़ेगा ना, पूरा सुंदर से दिखेगा मछीपुरा। आपका पूरा बचपन यहीं पे बीता है ना? हाँ आपका कितना जनरेशन रह रहे हैं यहाँ पे? तीन इसमें अभी तीन जनरेशन। 7:45 बज रहे हैं और दादा के घर पे ये खाना ऑफर किया मेरे को, ये सूप है ना? सूप, चावल, सब्जी, खीरा। अरे थैंक्स। ये आपकी बेटी हाँ सेकेंड वो और दीदी खाना बना रही है वहाँ पे। ये सब जगह अरुणाचल में ऐसा ही होता है ना, बीच में फायर प्लेस जहाँ ठंडा होता है वहाँ पे। वो तुम्हारा डॉगी? हाँ मेरी डॉगी दो ठो है। दो ठो है, नाम क्या है? ये नाच है। हाँ ये तो नाच है ना, और एक तो मैगी। मैगी तुम्हारा नाम भूल गया यार। अफू बसामी योबिन। कौन सा क्लास में है आप? क्लास हाँ क्लास फोर। फोर दीदी? फाइव। दीदी फाइव में। आप? क्लास टू। टू और एक, और एक जो बहन है? क्लास थ्री। थ्री में? क्लास टू, क्लास थ्री, क्लास फोर, क्लास फाइव। आप कौन सा क्लास में? क्लास क्लास थ्री पे है। थ्री पे है। अब धान काटने जा रहे हैं नदी के उस पार। अभी देखते हैं कैसे जाएंगे, नदी क्रॉस करके जाएंगे, नदी में से निकले धूप देगा। अभी ब्रिज से नहीं जा रहे, नदी में से ही जाएंगे। ये टाइट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। ओ लूज कर रहे हैं। अच्छा मेरे को तैरना तो नहीं आता ना, तो ऐसे ही चलेगा। हाँ कहाँ आपका धीरे धीरे नीचे जल से जाएगा, उसने हमसे कुछ सीखो। तुमको आता है? आपको आपको कुछ तो नहीं आता होगा। नहीं नहीं आता, तुम सिखाना। तुम ही ये लोग से सीख लो। पूरी फैमिली मिलके धान काटती है, राइस। आ गया नदी, अब पार कैसे करूँगा देखते हैं। ओहो पूरा नदी के अंदर से जा रहे थे। मजा आ रहा है। ओहो खुद का भी पार कर रहा है। पानी ठंडा है यहाँ तो बहुत गर्म है। हाँ अब सेंटर में ऐसा पार करने नहीं सकेगा, पूरा पाव तो काट दे गए थे। हाँ हो गया, पानी का फ्लो अभी कम है। हाँ उस साइड ज़्यादा है बहुत। तो एक बार में आप लोग बहुत धान काट के लेके जाते हैं? नहीं आज तो बस वो फेस्टिवल के लिए। हाँ उसके लिए थोड़ा सा नया 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 धान थोड़ा सा काट के ले जाएगा। अच्छा अच्छा आगे देखो। तब अपनी मम्मी के साथ जा रहे हैं। ये लोग साथ में होता है मज़ा लगता है। हाँ वो तो है, बच्चा लोग रहने से अच्छा लगता है। ये मेरा खेती ऐसे लाइन लाइन करके हम लोग बात किए तो। हाँ ये पूरा लाइन आपका है? यहाँ बहुत मजा है, शाम को इतना ठंडा हवा मारता है। हाँ हाँ बहुत मजा लगता है यहाँ में, जब खेती का समय तो यहाँ में सोता है हम लोग।
आप लोग बहुत दिन यहाँ पे रहते हैं, ऐसा भी होता है क्या? एक महीना तो रहेगा क्योंकि पानी से। एक महीना? हाँ, कौन सा मंथ में? जून। जून में जब यहाँ पे खेती करता है, जब बीज डालता है? हाँ, जो तो मई लास्ट में बीज डाल देगा। हाँ से, हाँ तो हाँ तो कल मैं हिचाइक करके नहीं आता ना उस ट्रक पे, तो यहाँ नहीं पहुँच पाता। देखो यार, ऐसी जगह बस फोटोज़ में दिखते हैं, रियल लाइफ में देख रहा हूँ मैं। दीदी यहाँ पे अपने तीनों बेटियों के साथ धान काट रहे सब आता है ना तुमको? हाँ, खाना भी बना लेती है दीदी। ये नीचे वाला का क्या करते फिर? इसे रख देता है। अभी धान काटने का बाद ये तो बफेलो वगैरह यहाँ पूरा खाते खाते है। ओ ये चावल जैसे नया खेती ऐसे करता है हम लोग, पूरा एक हमें काटने के बाद धूप में 4 दिन जैसे सुखाता है। तो ये पूरा सूख जाने के बाद एक बड़ा जगह में ये वाला 2-3 थू बिछा के पूरा ये गाय गुरु से उसको वो करता है, हाथ से नहीं मारता है। अभी ये तो थोड़ा सा नया धान के लिए वहाँ दूर दीदी धूप में धान काट रही है और तीनों बच्चे, तीनों लड़कियाँ धान ले लेके आ रहे हैं। दादा यहाँ पे धान पीट के निकाल रहे हैं। जाओ जाओ जाओ, मेहनत है भाई। आप जो चावल खाते हैं ना उसके पीछे ये सब होता है। तेरी मेरी करना हो गई मजबूर। दूल्हा खाएगा तुमके साथ। हारियों को हम जाएंगे, खुशियों आनंद पाएंगे, झूमेंगे हम, नाचेंगे हम, यीशु के बातें सुनेंगे हम, हम लोग अच्छा पाया, वो भी अकेला अकेला है। कीमत का तो दाग देना पड़ेगा। बढ़िया, हमारे यहाँ का आदमी बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ का लोकेशन। दादा इतना दिन मेरे को कल रुका दिया, खाना वाना दे रहे। अभी ऐसा है ना, हाँ देखा ना कितना तकलीफ से आदमी यहाँ में। हाँ बहुत तकलीफ है। आपका लाया था कितना तकलीफ? हम लोग का गाड़ी से आया। हम लोग जो काम कर रहा है प्रोजेक्ट जो इंडिया और ये बर्मा बाउंड्री में रोड कनेक्शन कर रहा है, हम लोग इंडिया तरफ से बना रहे बर्मा डायरेक्ट बॉर्डर तक। अब कब निकलेगा यहाँ से? कल सुबह निकलेगा। कल सुबह निकलेगा।